उतरौला तहसील क्षेत्र के ग्राम गोनकोट में राप्ती नदी द्वारा हो रहे कटान से दहशत में है ग्रामवासी। दहशत का आलम यह है कि दिन का सुकून और रातों की नींद गायब है। अमरुद्दीन बताते हैं कि करीब हफ्ते भर पहले नदी में अचानक पानी बढ़ गया। पानी घटते ही तेजी से कटान होने लगा। कई बीघा खेत नदी के कटान की भेंट चढ़ गए। डर सता रहा है कि नदी द्वारा कटान होने पर जो बचा कुचा खेत है वह भी नदी नील ना जाए। गांव का कब्रिस्तान भी काट ली गई है। अगर इसी बीच किसी की मृत्यु हो जाती तो लाश दफन करने के लिए कोई जगह नहीं बची है। मृतक को दफनाए जाने के लिए या तो उसके परिवार वाले अपनी निजी जमीन में दफन करें या दूसरे गांव के कब्रिस्तान में दफन करना होगा। ग्रामीण कहते हैं कि नदी हमारे गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर थी, लेकिन इस बार कटान करते करते बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पर आ गई है। नदी में पानी बढ़ने के बाद घटने लगा है। जलस्तर घटते ही नदी कटान करने लगी है। चिंता खाई जा रही कि हमारे गांव का क्या होगा, कहीं नदी काट के हम सबके घरों को लील न ले। यह भयानक मंजर सोचकर ही रूह कांप जाती है। बलिराम कहते हैं कि अगर नदी ने कटान कर हमारे घरों को लील लिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास इसके अलावा कहीं जमीन भी नहीं है कि हम अपना झोपड़ा बना सकें। हमारे गांव वाले नदी कटान के डर से मानसिक तनाव में है। जो लोग रोजी रोटी कमाने के चक्कर में अन्य प्रदेश में थे, बाढ़ की कटान सुनकर वह लोग भी गांव आ चुके हैं। ग्रामवासी रात को चैन से सो भी नहीं पाते हैं। नदी के कटान की चिंता सताती रहती है। दिन भर तो कैसे भी करके कट जाता है। रात में नदी के कटान की रखवाली करने के लिए गांव में कई टोलियां बनाई गई हैं, जो क्रमवार अपने अपने समयानुसार रात को जाकर नदी कटान की रखवाली करते हैं। हमें मजबूरन रात को जाकर कटान देखना पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि रात में सोते समय नदी काटकर हम सबको पानी में बहा ले जाए। करीब 4 साल पहले कटान को रोकने के लिए नदी किनारे ठोकर लगाए गए थे, जो इस बार बाढ़ में बह गए। समय रहते प्रशासन द्वारा ठोकर की मरम्मत नहीं कराई गई, ना ही दोबारा ठोकर या तटबंध बनाए गए। अगर इस कटान वाले स्थान पर तटबंध बनाए गए होते तो ऐसी भयानक स्थिति से बचाया जा सकता था। ग्रामवासी इतनी बड़ी मुसीबत में है, लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी हमारा हाल जानने नहीं आ रहा है। सबको इस समय शासन प्रशासन के सहारे की बेहद जरूरत है। कटान की डर से पूरा ग्राम भयभीत है। लगभग 200 मीटर का कटान अब गांव से मात्र 50 मीटर की दूरी पर नदी आ गई है। गांव वाले डरे सहमे हैं, पलायन करने पर मजबूर हैं। लड़कियों के विवाह के लिए कुछ लोगों ने महंगे सामान जैसे बेड, सोफे सेट, अलमारी, श्रृंगारदान, बड़ा बक्सा, टीवी, फ्रिज, शॉपिंग मशीन आदि ले रखा था, जो अब कटान में बह जाने से बचाने के लिए अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ भेज रहे हैं। ये देख कटान से क्या दिक्कत है सर? कटान से हमें बहुत दिक्कत सर, हमारा फसल जो है फसल भी कट चुका है और रात रात भर हम लोगों को नींद भी नहीं आ रहा है। क्यों नींद नहीं आ रहा है सर? कटान को जैसा ऐसा कटान हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारा गांव कट जाएगा। कोई मौका है ऐसा चांस ही नहीं है कि बच जाए। नदी से गांव कितनी दूरी पे? सर 50 मीटर। 50 मीटर की दूरी पे है। आप लोग सोते नहीं रात में? सर नींद ही नहीं आ रही है, झम झम गिरता कटान होता है इतना जोर से कि उधर गांव तक जाता आवाज, इसके वास्ते नींद नहीं आ रही। प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन से यही मांगे कि कुछ न कुछ जल्दी से जल्दी इसका कार्रवाई किया जाए। ठोकर ओकर लगा है कि? हाँ सर, इससे पहले लगा था 4-5 साल पहले, इस समय तो अभी कुछ भी नहीं है। क्या आपका क्या नाम है? जितेंद्र अरकोंसी। ये कौन सा गांव है? गोनकोट डिस्ट्रिक्ट, जिला बलरामपुर। आपको क्या समस्या है कटान से? हमको नदी से बहुत कटान है, बहुत डर है और हम रात भर जाग जाग कर पहरा देते हैं कि हमारा गांव कहीं कट ना जाए। और कुछ सामान ऐसा है कि हम गांव के बाहर भी रख दिए हैं। बहुत बच्चे और बुजुर्ग लोग बहुत डर रहे हैं इसको। हम लोग बहुत पूरी पूरी रात जाग कर। विश्वनाथ प्रकाश सिंह। कौन सा गाँव है? गोनकोट डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। क्या समस्या है कटान? बहुत ज्यादा कंडीशन स्थिति खराब हो गया है। ऐसा लगता है कि गांव बचने का मतलब कोई संभावना ही नहीं। और हमारे 60-70 साल के बुजुर्गों ने बताया है कि मतलब ऐसा सिचुएशन या कंडीशन में आ गया है कि बचने का कोई मतलब संभावना ही नहीं है। दिनेश शर्मा। कौन सा गांव? गोनकोट डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। क्या समस्या है आपको? समस्या यह है कि हमारे गाँव का कटान नदी बहुत तेज काट रही है, कब्रिस्तान भी काट चुका है। कब्रिस्तान भी काट चुका है और हम लोग बहुत परेशान है। तो कब्रिस्तान से क्या दिक्कत? कब्रिस्तान से यही दिक्कत, अगर बाय चांस किसी का मृत हो जाए तो रखने के लिए जगह नहीं। रखने के लिए कोई जगह नहीं? कोई जगह नहीं। अगर हो जाए तो? अब यही या तो नदी में करेंगे या दूसरे गांव के कब्रिस्तान में करेंगे, यही समस्या है। उचरोला से बाजिद हुसैन की रिपोर्ट।